पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसको लेकर एसएफआई के बैनर तले नर्सिंग की छात्राओं ने उपायुक्त कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और एडीसी जितेंद्र सांसदा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से नर्सिंग की छात्राओं ने मांग की है कि नर्सिंग के प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष के सभी छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाना चाहिए। हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय के गेट पर नर्सिंग की छात्राओं ने प्रदेश भर के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के छात्रों के पेपर ले जाने के फैसले का विरोध किया। एसएफआई के बैनर तले छात्रों ने सरकार पर छात्रों के कोविड महामारी के दौर में हुई परेशानी व सही ढंग से पढ़ाई न होने का हवाला देते हुए प्रमोट करने की मांग की। छात्रा आस्था शर्मा ने कहा कि उनका शैक्षणिक संस्थान अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ था और उसके बाद एक महीने का शीतकालीन अवकाश हो गया था। उसके बाद चार महीने तक वे कॉलेज आए और फिर कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया, जिस कारण उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई और वे परीक्षाएं देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि जिस तरह बाकी संकाय के बच्चों को प्रमोट किया गया है, उसी तरह नर्सिंग के प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष के सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए। मेरा नाम आस्था शर्मा है, मैं बीएससी नर्सिंग की छात्रा हूँ। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे मतलब नर्सिंग में जो भी छात्राएं हैं सबको प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारी क्लासेस नहीं लगी हैं। हमारी क्लासेस कम से कम 3 महीने लगी हैं और उसमें भी बीच बीच में फंक्शन वगैरह हो गए हैं, तो उसमें हमारी क्लासेस ढंग से नहीं लगी हैं। और उसके बाद हमें एकदम से बोला जाता है कि तुम लोगों को 15 दिन की हॉलीडेज हो रही हैं और हम 15 दिन के लिए घर जाते हैं। हम अपने साथ कोई भी बुक्स नहीं लेके जाते हैं और फिर हमें उसके बाद टोटली लॉकडाउन लग जाता है। हम वापस बुक्स लेने भी नहीं आ सकते और फिर इतने दिनों से हमारी कोई पढ़ाई नहीं हुई। ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए हम पढ़ाई नहीं कर सकते, ऑनलाइन पढ़ाई भी हमारी ढंग से नहीं होती है। नेटवर्क का इशू रहता था, कभी कोई प्रॉब्लम हमारा मतलब ऑनलाइन था जो वो हुआ ही नहीं, वो भी 2 महीने ही चला ढंग से, वो भी नहीं हुआ। और हमारी ऐसी पढ़ाई है जो ऑनलाइन के थ्रू नहीं हो सकती, हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं हुए हैं। हमें मतलब INC मतलब 10 जून को जो हुआ था वो INC ने गाइडलाइन दी कि सभी नर्सिंग छात्राओं को प्रमोट कर दिया जाएगा अगर कोरोना नहीं थमा। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो इस बात को समझ नहीं रही है और वो हमें प्रमोट नहीं किए कर रही है, जबकि हमारा हक है प्रमोट होना, ताकि हम अभी क्लासेस तैयार हो सकें और अपने पेपर को भी ढंग से दे सकें। फीस वगैरह ली गई आप? हमारी फीस भी एक्स्ट्रा मतलब हमारी ट्यूशन फी के अलावा भी सारी फीस ली गई। फीस में भी कोई कुछ नहीं, मतलब ऐसा है कि हम हॉस्टल और मैस का भी सब कुछ लिया गया, कुछ भी नहीं ऑनलाइन क्लासेस हमारी कुछ भी नहीं लगी। हमें बच्चे आपके बस भेज दिया जाता था टॉपिक, बस उसको पढ़ो बस, वो भी हमारी 1-2 महीना ही लगी, इससे ज़्यादा नहीं लगी। पर कुछ भी नहीं हुए हैं, जरा भी हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं लगी। एसएफआई के जिला इकाई सचिव सौरभ पटियाल ने कहा कि कोविड महामारी के कारण वर्तमान सत्र में कक्षाएं कम लगने व ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही दिक्कतों के चलते परीक्षाओं की सही तैयारी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्य संकायों में छात्रों को प्रमोट करने की घोषणा कर दी है, उसी आधार पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाना चाहिए। कोई पढ़ाई नहीं हुई है इतनी अच्छे से, तो इसके लिए हम इसके प्रमोट करने के ऊपर हमने आज धरना प्रदर्शन रखा था और इसके बीच में बीएससी जो छात्रों को जल्द से जल्द प्रमोट करने की मांग रखते हैं हम। और इसके बाद हम डीसी साहब के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं, जैसे कि उनको जल्द जल्द प्रमोट किया जाए, ऐसे जैसा हमारा कुछ रहेगा इसके बीच में। और इसके बीच में हमने आज धरना प्रदर्शन जो कि डीसी ऑफिस के बाहर किया है, क्या बोलते हैं, उसके बीच में हमने गाइडलाइन को प्रमोट करने के लिए, जैसे हमका हमारी जो हम जो इस बेस पे करना चाहते हैं कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाई है, तो इसके हित में हम की प्रमोट होना चाहिए, जैसे कि उनको हॉस्टल में बुक्स रहेगी तो वो कैसे स्टडी करेंगे, हमारा ऐसा जैसा कुछ इसका है उसको असेसमेंट के जो उसके साल की जो असेसमेंट है उसके हिसाब से उसको प्रमोट किया जाए।